नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। आखिरी दो टेस्ट के लिए हुए टीम इंडिया का ऐलान, दो नए चेहरों को मिला मौका। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी दो टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है। चयनकर्ताओं ने इस टीम में दो ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो इससे पहले कभी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम में नहीं चुने गए थे। आखिरी दो टेस्ट मैच में भारतीय टीम में पृथ्वी शॉ और हनुमा विहारी को मौका दिया गया है। आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस टीम में दो नए चेहरों को मौका दिया गया है। इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम मौजूदा समय में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है, जहां तीन टेस्ट मैचों में 1-2 से भारतीय टीम पीछे चल रही है। अब चौथे और पांचवें टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस प्रकार है टीम इंडिया: विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अंजिक रहाणे, करुण नायर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और हनुमा विहारी। भारतीय टीम का ऐलान चौथे और पांचवें टेस्ट के लिए कर दिया गया है। इस टीम में पृथ्वी शॉ और हनुमा विहारी दो नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में जगह नहीं दी गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया वॉइस।